नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में परिवर्तनकारी और प्रगतिशील प्रदेश बनने वाला है और बनने वाला है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बनेगा कैसे, इसके लिए भी खाका लगातार तैयार किया जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल को बनाया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि माहौल के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए। लगातार इन्वेस्टर सबमिट भी हो रही हैं और लगातार लोगों के बीच ये जागरूकता ही फैलाई जा रही है कि अगर आपको निवेश करना है तो उत्तर प्रदेश से बेहतर आपके लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। और जाहिर तौर पर बात है, अगर वास्तव में किसी प्रदेश का या किसी देश का भला होना हो या आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए ज़रूरी है औद्योगिक क्रांति। बिना औद्योगिक क्रांति के संभव नहीं है कि वो देश पावर में आ पाए, सुपर पावर बन पाए। कहा तो जाता है कि आने वाले समय में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर होगा, पर होगा कैसे इसके लिए भी तैयारी चल रही है। और अगर बात करें 25 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी इसके लिए तैयारी चल रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से ज़्यादा सक्रिय है, अलग अलग रोडमैप के तहत काम कर रहे हैं। और रोडमैप के तहत काम करते हुए एक अलग व्यवस्था के चलते यहाँ पर 10 लाख करोड़ की जो एक लक्ष्य रखा है निवेश के लिए, इन्वेस्टर सबमिट होनी है 10 से 12 फरवरी 2023 में, और जिसको लेकर कल इसका कार्टेजर लॉन्च किया गया। एक सहायक पोर्टल भी लॉन्च किया गया निवेश सारथी के नाम से, इसका लोगो भी लॉन्च किया गया। और कहा गया कि आने वाले समय में हम जरूरी 350 से ज़्यादा सुविधाएं जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश को अपनी तरफ लाएंगे। जिसके लिए कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में अभी इसी महीने में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री विदेश दौरे पर भी जाएंगे और वहाँ पर जो वहाँ के निवेशक हैं उनको आमंत्रित करेंगे उत्तर प्रदेश आने के लिए, अपना जो आधारभूत जो ढांचा है, जो धंधा है, उसको शुरू करने के लिए। और निश्चित रूप से जब तक आधारभूत धंधे शुरू नहीं होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो माध्यम है वो भी सज्जित नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि हम इंडस्ट्री भी लगाएंगे, निवेश का माहौल भी बनाएंगे और रोजगार के जो माध्यम है उसको मजबूत करेंगे, जिससे रोजगार की समस्या जो प्रदेश में लगातार चल रही है उसका भी निदान किया जा सके। आने वाले समय में वो कैसे सबमिट होगी, क्या निवेश आएगा और कैसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और औद्योगिक क्रांति देश में कैसे आएगी, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका, चाइना, जापान और ब्रिटेन जैसे तमाम बड़े देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी औद्योगिक क्रांति आई, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिना इसके संभव ही नहीं है कि आप अपने देश को मजबूत कर पाए। अगर हम देश को मजबूत करना है तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ बयान सुनते हैं, उसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है, अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को यहाँ पर पीछे कर दिया गया था और केवल एक ही व्यवस्था देखी जा रही थी, वो देखी जा रही थी स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कि किस तरह लोगों की जान बचाए। पर यहाँ पर अगर औद्योगिक क्रांति लानी है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूँ। विवेक श्रीवास्तव भाई भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह श्रीवास्तव भाई प्रवक्ता सभा के रूप में बात करेंगे, दिलीप हर्षवर्धन भाई राजनीति विशेषज्ञ के रूप में पक्ष रखेंगे और संजय गुप्ता भाई व्यापारी नेता के रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जल्दी हमसे रूबरू होंगे। तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा, विवेक भाई पहले भी सबमिट हुई हैं, इस बार भी सबमिट होने जा रही है, कर्टन रेजर लॉन्च कर दिया है, निवेश सारथी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है और बड़ी बड़ी बातें यहाँ कही जा रही हैं कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, पूरा होगा। और जो योगी मॉडल महानिवेश का बताया जा रहा है, ये परिवर्तन लाएगा और एक औद्योगिक क्रांति लाएगा जिससे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। प्रयास है निवेशक को मनाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विदेश दौरे पर भी जाएंगे, ऐसा कहीं सुनने में आया है, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी साथ जाएंगे। कैसे करेंगे विवेक भाई और क्या प्रारूप रखा है? 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, कैसे पूरा किया जाएगा? जी विवेक जी, लक्ष्य बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी टीम भावना से जब इसमें जुड़ जाएगी, अच्छा, तो इसमें परिणाम दिखने लगेगा। अच्छा, और सरकार ने पिछले दिनों अपनी टीम भावना से काम करके तमाम मौकों पर यह साबित भी किया है। अच्छा, इस बार 21 देशों को इसमें शामिल किए जाने की योजना है जी। 18 देशों में तो सरकार के मंत्री और सरकार द्वारा रोड शो किए जाने की योजना है जी। और इसमें सरकार के मंत्री वहां दौरे भी करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, लोगों को इसमें विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे और उनको इसमें निवेश के लिए आकृष्ट भी करेंगे जी। जिस तरह से मोदी जी ने देश के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है जी, उसी तरह उत्तर प्रदेश ने उसमें सहयोग देने के लिए अपने स्वयं के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लिया है और उसी लक्ष्य को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जी सरकार प्राण पण से लग चुकी है जी। इसी क्रम में देश के 7 प्रमुख नगरों में भी रोड शो होगा, 18 देशों में होगा रोड शो, में सारी बातें बता चुका हूँ जी। और जिस तरह से लोग बार बार कहते थे कि साहब ये इन्वेस्टर समिट हुई क्या लगा, इन सारी चीजों पे बारीकी से निगरानी रखने के लिए सरकार ने निवेश साथी पोर्टल भी लागू कर दिया, जारी जी, कर दिया जी। अब ये सारी चीजों पे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगाह रखी जाएगी जी, ये कहीं कोई योजना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई योजना अटक तो नहीं रही, कहीं कोई समस्या है तो उसका तुरंत निराकरण करके उस निवेश को आगे के रास्ते बढ़ाते रहा जाए। अच्छा, ये सब चीजें सरकार एक एक बारीकियों को, एक एक कमियों को बारीकियों से दूर करना चाहती है। अच्छा, और सरकार चाहती है कि निवेशकों को यहाँ बहुत ही सुगम और सुव्यवस्थित माहौल मिले। अच्छा, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार अपने झंडे गाड़ चुकी है। अच्छा, एक समय जो प्रदेश अपराधियों से त्रस्त रहता था, आज उसी प्रदेश में अपराधी जेलों में अपनी जान की भीख मांगते दिख रहे हैं। अच्छा, और जिस तरह से NCR के सबसे निकट का प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, और 24 करोड़ यहाँ जनता निवास करती है, श्रम सर्वाधिक हमारे पास है, हम अगर श्रम का उचित प्रबंधन कर लें, अभी आपने देखा होगा कि जो आपके ITI कॉलेजेज हैं उसमें टाटा को मौका दिया गया है कि किस तरह से इन्हें कौशल प्रबंधन और इसको कैसे अपग्रेड किया जाए उसके लिए। नहीं, कौशल विकास मिशन के प्रोग्राम तो बहुत पहले चल रहे हैं, वो नई बात तो है नहीं। अभी जो ITI में टाटा को मौका दिया गया ITI कॉलेजों को अपग्रेड करने का। अच्छा, बड़ा प्लेसमेंट चलता रहता है विवेक जी, नई चीज थोड़ी ना है वो। प्लेसमेंट नहीं बता रहा हूँ, उसको अपग्रेड करने की योजना। अच्छा, अपग्रेड कर दिया आपने, ठीक है। अपग्रेड जब ये ITI कॉलेज जो सरकार के जब अपग्रेड होंगे, अच्छा, तो ये आवश्यकता ये महसूस की जा रही थी कि यहाँ पे वो बच्चे पढ़ के निकले जिनकी आवश्यकता इन कंपनियों को है जी, उन्हें क्या चाहिए वो यहाँ पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि जब ये जैसे ये पढ़ के निकले इन्हें उचित रोजगार मिल जाए जी।
देखिए सारे कवायद का एकमात्र लक्ष्य सरकार का ये है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े, ठीक, उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार ना रहे और रोजगार की तलाश में इधर उधर बाहर के प्रदेशों में ना भटके, ठीक है। तो ये रोजगार देखिए जब निवेश आएगा, इंडस्ट्री आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो रोजगार तो उसका बाय प्रोडक्ट है, रोजगार तो यहाँ लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लक्ष्य सरकार का वही है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे, ठीक है। दिलीप भाई, पर आपने कहा कि आईटीआई में यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, आपको पता है पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम हुआ था, जाने कितनी सीटें खाली पड़ी है, बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया है। देखिए लोग जो है स्किल्ड होना ही नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं वो चाहते जाते हैं, क्या कारण है? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इसको समझने के लिए गौरव जी आपको इन संस्थानों के भीतर जाना होगा। अच्छा, आज उन ब्रांचेज के सीटें नहीं खाली है जिनकी मार्केट में आवश्यकता है। जी बिल्कुल, उन ब्रांचेज की सीटें खाली रह जाती हैं जो नहीं खोली, जिनकी जिनकी मार्केट फुल हो चुकी है। अच्छा, जैसे सिविल में जगह नहीं खाली होती जी, मैकेनिकल में नहीं खाली होती, इलेक्ट्रिकल में नहीं खाली होती, मैकेनिकल प्रोडक्शन की सीटें नहीं भरती है जी, कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जिनकी मार्केट में वो उपयोगिता नहीं है मौके के हिसाब से जी, तो उनकी सीटें खाली हो जाती है जी। यही आवश्यकता के लिए आईटीआई में टाटा को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है जी, कि वो अपग्रेड करिए कि जिसकी जरूरत इंडस्ट्रियों को है, फैक्ट्रियों को है, बिल्कुल सही बात। वो ना पढ़ाइए जो बाबा आदम के जमाने में पढ़ाया जाता था, बिल्कुल सही बात, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। वो पढ़ाइए जो आज आवश्यकता है, ठीक है ठीक है ठीक है विवेक जी। देश को आवश्यकता है, उद्योगपतियों को आवश्यकता है, देश में चलने वाले कल कारखानों को, विदेशी निवेशकों को आवश्यकता है, ठीक है, वो पढ़ाइए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। ठीक है ठीक है ठीक है विवेक जी, नितिन भाई ठीक है ठीक है, और मेहमान भी है नितिन भाई हमारे साथ, विवेक जी, नितिन जी, नितिन सिंह यादव जी सपा से जुड़े हुए हैं। नितिन भाई, सबमिट होने वाली है 10 लाख करोड़ का लक्ष्य है, और बड़ा यहाँ पर सबमिट होगी, और निश्चित रूप से अब शायद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आएगी और उत्तर प्रदेश ही बदलेगा, तकदीर बदलेगी उत्तर प्रदेश की, कैसे देखते हैं आप? नितिन भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मेरी आ रही? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। धन्यवाद, आपने पक्ष रखने का मौका दिया जी। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इतने बड़े भागीरथी प्रयास करने जा रही है। अच्छा, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, करोड़ का लक्ष्य रखा है, रोजगार तो होगा अलग बात है, और बहुत कई करोड़ का लक्ष्य, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए यदि ये साकार हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि इसके पहले भी इसी सरकार में 2 समिट हो चुकी है, ठीक है, इन 2 समिट में टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया खर्च किया गया, और उसके बाद में बहुत सारे एमओयू भी साइन हुए, बहुत सारे लोगों ने आकर तो समिट में हिस्सा लिया जी, कईयों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा, कि किस तरीके से उनके भारत से कनेक्शन है, और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी उनसे रिश्ते हैं, वो बात मैं टीवी में कह करके उसकी कुल नहीं बोलना चाहूंगा, तो व्यक्तिगत हमारे। अच्छा, लेकिन मैं इन हाल में कहना चाहता हूँ सिर्फ विवेक भाई से, हाँ, कि क्या ये पिछला 2 समिट का आंकड़ा दे पाएंगे कि पिछली समिट में कितने कुल एमओयू साइन हुए थे, उनमें कितने इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, और कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और आज उन इन्वेस्टरों की क्या स्थिति है, उन प्रोजेक्टों की क्या स्थिति है। हाँ, इस तो पिछली और आगे, और अभी ये कोरी कल्पना है कि चलिए वो इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इतने लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा जी, हम दिल से चाहते हैं। अरे कल्पना क्यों बोल रहा भाई, काम अच्छा हो रहा है, तारीफ करिए, कल्पना कैसे हो गई? गौरव जी जी, कल्पना है। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले प्रत्यक्षम के प्रमाण, इसके पहले 2 समिट हो चुकी हैं, पहले तो उसके रिजल्ट्स क्या है ये दिखाई पड़ना चाहिए ना, और आगे तो ये तो अभी प्लानिंग है ना, इम्प्लीमेंट हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं खुद प्रार्थना करता हूँ, सरकार को इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि जो उनकी योजना है फलीभूत हो जी, लेकिन पूर्व का जो अनुभव है उस पर मुझे प्रिसिजन लगाना है कि पूर्व में 2 समिट है और करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स का इस पर खर्च किया गया है।
अच्छा। और लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंडिया घूमने आए, घूम करके सरकारी पैसे पर मौज मस्ती करी। अच्छा। और एक एमयू बल्कि फर्जी कंपनियों का नाम थे। अच्छा। एक एमयू साइन कर दिया उस समय क्या बच चुकी व्यक्तिगत रिलेशन, मैं कह रहा हूँ उनको नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, व्यक्तिगत रिलेशन खराब हो जाएंगे कि आपने मेरा मामला टीम में उठा दिया। अच्छा। कल से जांच शुरू हो जाएगी। अच्छा। लेकिन व्यक्तिगत जानता हूँ कि फर्जी कंपनी का जांच शुरू हो जाएगी भैया किया गया और इसके बाद लॉर्ड बोलना बंद कर दीजिए, जांच शुरू हो जाएगी तो हो गया, इंडिया नहीं आए। और ऐसे में दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से आज पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम से कम आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताएं कि पिछले जो समिट हुई उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया, कितने एमयू साइन हुए और कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, कौन कौन से प्लांट लगे और उनकी आज स्थिति क्या है। ये तो पिछले हो गए चूंकि सरकार इन्हीं की थी, यही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री रहे आज 5.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया। नई की बात तो चूंकि अभी गर्त में उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाना है कि वो होगा, जब होगा मैं तो कल उसकी कामना करता हूँ कि काश ऐसा हो और हमारे प्रदेश की स्थिति बेहतर हो लग जाए प्रदेश। और रही बात कानून व्यवस्था की, अभी हमारे साथी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती थी। अच्छा। इस सरकार की कानून व्यवस्था की हालत बता दूं कि पिछले 3 दिन में कानपुर के अंदर 8 चोरियां हुई है व्यापारियों की दुकान, किदवई नगर, साकेत नगर और गुप्त नगर के अंदर जो मामले हैं, कटर तोड़ करके 8 चोरियां हुई है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अच्छा। लेकिन अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही है, ये है कानून व्यवस्था। और आप पहले तो अपराधियों से डर होता था, आज पुलिस स्वयं अपराधी बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा। सड़क चलते किसी व्यक्ति विवेकी वाली जैसे व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर देती है। अच्छा। हालत क्या है, गोरखपुर में होटल के अंदर व्यापारी जाता है, पुलिस उसको मार मार के उसको मार डालती है। ये है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। अच्छा। कोई महिला थाने में FIR कराने जाती दुष्कर्म की, थानेदार स्वयं उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। कन्नौज के अंदर मां जाती है अपनी बेटी की दुष्कर्म की FIR लिखाने, थानेदार मां के साथ दुष्कर्म कर देता है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। मैं योगी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा वातावरण बनाइए और निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए तो लोगों का भला हो, नौजवानों का भला हो, रोजगार मिले। लेकिन सिर्फ कागज में मत करिए, पूरी कल्पना पर नौजवानों को सपना मत दिखाइए। ठीक है ठीक है चीतन भाई, ठीक है। मनोज भाई मानसा कांग्रेस से है। मनोज भाई, यहाँ तकदीर बदलने वाली है और सरकार ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य कल लोगों भी लॉन्च हो गया और पोर्टल निवेश सारथी भी लॉन्च हो गया। बड़ा प्रयास और बड़ी मेहनत रंग लाने वाली है, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य आएगा और निश्चित रूप से रोजगार के जो कार्यक्रम है वो भी मजबूत होंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, देखना क्या, हर उत्तर प्रदेश वासी जी कामना तो यही करता है, आशा तो यही है कि कम से कम सरकार कोई भी हो जी, कुछ गंभीर मुद्दों पर जी, इन्वेस्टमेंट समिट की बात हो जी, रोजगार सृजन की बात हो जी, ईज ऑफ लिविंग लाइफ की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, तो हर उत्तर प्रदेश का वासी ये चाहता है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता है कि कम से कम इस पर सरकार ईमानदारी से प्रयास करे। ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विवेक जी जैसे मिथ्याभाषी, इनकी पार्टी उसी तरीके से, अरे क्या बोल रहा है, मिथ्याभाषी कैसे बोल दिया भैया, मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के साथ, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। देखिए, बहुत झूठ और जुमले, चूंकि राजनीति में इनका वो पैटर्न है, सेट पैटर्न है, ये बाज नहीं आते हैं। अच्छा। अभी इन्होंने, मैं सुन रहा था, इन्होंने अपनी सरकार ने जो पिछली 2 समिट की उसमें तथ्यात्मक तरीके से, प्रमाणिक तरीके से, ईमानदारी और जिम्मेदारी से ये बताने में पूरी इनकी सरकार, इनकी पार्टी नाकाम है कि उसका अभी तक क्या प्रगति हुई, कोई संतोषजनक रिपोर्ट जिसमें लफबाजी ना हो, गब्बाजी ना हो, जुमलेबाजी ना हो, यथार्थ पर व्यवहारिक रूप से कुछ काम हुआ। अच्छा। रोजगार सृजन के कुछ अवसर बने, इंडस्ट्री कुछ स्थापित हुई, उनका कितना प्रतिशत काम अभी तक हो गया जो एक दिख सके, तो इनके पास कोई मॉडल नहीं है। कोरोना भी तो आ गया था, 2 साल तो कोरोना रहा है विनोद भाई। नहीं नहीं, फिर यही बहानेबाजी, बहानेबाजी से काम नहीं चलता है।
भाई आप 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसकी आधारशिला तो रखिए, उसका मूर्त रूप कोई स्वरूप सामने तो आए, जाएंगे बुलाएंगे नहीं आ रहा है। सही कहा हमारे सपा के साथी प्रवक्ता ने, बहुत सारे खेल है, आप खुद सजग है, सारी सब कुछ जान के भी आप अनजान बनते हैं, कैसे कैसे खेल हुए, कैसे रेवड़ी बाटी, कैसे एक बड़ा इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी भी आए, सब लोग आए और केवल प्रचार हुआ। सवाल है कि राजनीति में आप चुनाव जीतने के बाद कुछ जिम्मेदारी से तथ्यात्मक तरीके से काम करेंगे कि नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, इनके पिछले टर्म की सरकार और इस बार भी ऐसा कोई मॉडल ये पेश नहीं कर पाए। और जब दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के एक जिले का कप्तान अभी तक फरार है, जब वो धमकाता है, वसूली करता है, गृह जनपद गोरखपुर में किस प्रकार एक व्यापारी जब जाता है और पुलिस किस प्रकार, नहीं नहीं अभी मैं जिम्मेदारी से कुछ बातें कर रहा हूँ, साक्ष्य पर जवाब दे विवेक जी, इधर उधर मैं भागने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा है, पार्टी कोई हो, पार्टी कोई हो, उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार सृजन होगा और रोजगार सृजन के नाम पे अगर ये मखौल उड़ाएंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो बेरोजगार कौन होगा, बदनामी किसकी होगी, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के युवाओं की, नौजवानों की, शिक्षित हमारे रोजगारों भाइयों की, तो ये सहन नहीं होने वाला है। इसमें कोई राजनीति, कतई राजनीति का कोई स्कोर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और मिथ्या और जुमला से बचे, ईमानदारी से तथ्यात्मक रूप से जवाब दें। जब गौरव जी के कार्यक्रम में आते हैं और किसी मुख्य मुद्दे पर, निर्णायक मुद्दे पर बहस करनी होती है, तो तैयारी के साथ आइए, नहीं कांग्रेस गांधीवादी लोग और देश बनाने वाले लोग, ये देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी के और झूठ के झोंक में झोंकने वाले लोग हैं, सबका पर्दाफाश होगा। गौरव जी ठीक है, बहुत हो गया, अब इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, इनकी झूठ नहीं चलेगी, आपके दर्शकों के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त होगा। ठीक है, ठीक है, बताएं अभी तक क्या प्रगति हुई, क्या काम किया, केवल इवेंट करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, झूठे एमओयू साइन करेंगे और झांसा देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को। जी आपको मालूम है बेरोजगारी का दर किस प्रकार से बेतहाशा रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश की में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी मालूम है आपको, ठीक, एक सामान्य व्यक्ति अपना स्टेब्लिश स्थापित जो उसका रोजगार है, उद्यम है, उसको सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरीके से नाकाम है, वो किसी विचारधारा का हो, किसी जात संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, आप उससे सच्चाई पूछिए, ये यथार्थ है, आपको यथार्थ से भागने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आप तमाशा करते हैं, ये पीड़ा है, वेदना है उत्तर प्रदेश वासी की, ठीक है, भारतवासी की, आप तमाशा कर रहे हैं। जी ठीक है, जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। हमारे साथ संजय गुप्ता है, वरिष्ठ व्यापारी नेता है। संजय भाई, भाई यहाँ निवेश की व्यवस्था चल रही है, बाहर से निवेश भी आएगा और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा घरेलू निवेश है, जो हमारे देश भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, क्योंकि वो कंपनियाँ केवल देश की नहीं है, उनका नाम पूरे विश्व में है, तो वो भी निवेश करेंगे, बेहतर माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में इंडस्ट्री समिट होने वाली है और क्या कुछ लाभ होने वाला है उत्तर प्रदेश को? देखिए इसके दो पक्ष हैं जी, एक तरफ सरकार प्रयास इस बात का कर रही है कि बाहर से निवेश आए और उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार बढ़े जी, और दूसरा पक्ष ये है जो उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल व्यापारी हैं और इंडस्ट्री हैं जी, उनकी तरफ सरकार का उतना ध्यान नहीं है। अच्छा, मैं बहुत गंभीरता के साथ में जमीनी हकीकत बताऊं जी, तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार इस समय चौपट है। अच्छा, और आप प्रत्येक बाजार में देखेंगे तो हर बाजार में छोटी बड़ी कोई भी बाजार होगी तो आपको 2 से 5 तक का दुकानें उसमें बंद मिलेंगी, जो दुकानें बंद हुई व्यापारियों अपने कारोबार बंद किए हैं। अच्छा, एक तरफ हम लोगों को ई कॉमर्स, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां, उनके कारण हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है लगातार बड़े बड़े जो बिजनेस के घराने हैं, चाहे वो भारत के ही हों चाहे विदेशी हों, उनके बड़े बड़े जो मॉल कल्चर हैं उससे हम लोग को प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, और जो बात ये हो रही है निवेश की, तो मुझे लगता है कि जो 2 समिट हुई हैं उसका अभी परिणाम धरातल पर मुझे लगता है नहीं आया है, और शायद आने वाला हो, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी उत्पादन होता है तो 5 साल उसको लग जाता है, 2-4-5 साल इस्टेब्लिश होने में लगता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपने सजोए हैं तो आगे भविष्य में पूरे होंगे, लेकिन वर्तमान में व्यापारियों की स्थिति, घरेलू व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, व्यापारी दयनीय स्थिति में है। सरकार का जो GST बढ़ रहा है, वो GST बढ़ने की मुख्य वजह ऑनलाइन ट्रेडिंग की है, और सर्विस सेक्टर को भी GST में जोड़ दिया गया है, इस वजह से सरकार का GST बढ़ रहा है, और सरकार को शायद लगता है कि GST कलेक्शन बढ़ रहा है तो व्यापारी खुश होगा। तो रोड पे आ जाइए, रोड पे क्यों नहीं आते व्यापारी? नहीं, लगातार रोड पे आ रहे, लगातार चले जाते, नहीं ज्ञापन भी देते, प्रदर्शन भी हो रहा है, सरकार जब भी मौका मिलता है, अभी डिबेट पे भी अपनी बात कही जा रही है, सरकार तक का हर स्तर पर बात कही जा रही है, और सरकार को ज्ञापन भी देते हैं, बैठके भी करते हैं,
जिला बंधु ज्ञापन लीजिए, विपक्ष को भी जिंदा करिए भाई। नहीं, वाणिज्य बंधु की बैठक में भी हम लोगों ने रखा है, मंडल स्तर पर वाणिज्य बंधु की बैठक हुई है, उस पर भी रखा है, लगातार हम लोग रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार व्यापारियों की चिंता को समझेगी। हम लोग ना पक्ष के हैं ना विपक्ष के, हम लोग तो अपने व्यापार की और जनता की बात करेंगे। व्यापार अगर देखिए, अगर किसान, व्यापार और उद्योग, ये तीन चीजें तरक्की करेंगी तो देश का और प्रदेश का विकास होगा। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और जो व्यापारी है, ये एक ऐसा वर्ग है जो रोजगार सृजन का, रोजगार देने का काम करता है। यदि सबसे ज्यादा रोजगार कोई देता है तो व्यापारी देता है, उद्योग के लोग देते हैं। तो जो बाहर से निवेश आए अच्छी बात है, मल्टीनेशनल कंपनियां आए वो अच्छी बात है, लेकिन जो एस्टेब्लिश व्यापार है, एस्टेब्लिश इंडस्ट्री पहले से है, वो चल रही कि नहीं चल रही, उनकी क्या समस्या है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ दिलीप हर्षवर्धन जी मौजूद है। दिलीप भाई, कैसे देखते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट होने वाली है 10 से 12 फरवरी तक, कर्टेनिजा लॉन्च हो गया है, पोर्टल लॉन्च हो गया है और 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, तकदीर बदलने वाली उत्तर प्रदेश। गौरव जी, अच्छी बात है जी, इन्वेस्टर सबमिट्स हो रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट्स को इन्वाइट किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को लगाने की प्लानिंग करी जा रही है जी, 10 लाख करोड़ का व्यापार उत्तर प्रदेश में अगर आएगा तो ये अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, सरकार के खाते में ज्यादा से ज्यादा टैक्स जाएगा जी, लेकिन ये सब जाएगा, भविष्य की बात है जी। हम जब वर्तमान की बात करते हैं तो हम भूतकाल को भी देखते हैं और भविष्य काल की प्लानिंग करते हैं जी। भूतकाल में हमने 2 इन्वेस्टमेंट सबमिट्स किए थे बड़े जी, एक में 39,000 something lakh का, 39,000 करोड़ का या 39,000 लाख करोड़ का एस्टिमेशन किया गया था, उसमें से तो मुझे लगता नहीं कि भी शायद 390 करोड़ भी उत्तर प्रदेश के अंदर आया होगा। अच्छा, और जो 2 पिछले सबमिट में जितने भी MOU साइन हुए थे जी, वो वास्तविकता में अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाए हैं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्रीज को लगने में समय लगता है, लेकिन क्या उनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, ये एक सवाल सरकार से जरूर पूछा जाएगा जी। उसके पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ गौरव जी, कि हम इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है ठीक, लेकिन उसके पहले क्या सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्य व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, जिसमें एग्रीकल्चर जी सबसे प्रमुख व्यापार है जी, कारपेट प्रोडक्शन पूरे भारत के कंजम्पशन का 90% कारपेट जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है जी। रेशम उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, पांचवा स्टेट माना जाता है पूरे भारत में जी। तो जो यहाँ की ट्रेडिशनल व्यापार है जी, उस ट्रेडिशनल व्यापार को अगर हम इंडस्ट्रीज का रूप दे दें तो जो व्यापारी है वो भी फ्लरिश करेगा, सरकार के खाते में टैक्स भी आएगा, और जाहिर सी बात है कि व्यापार कोई भी बढ़े वो रोजगार को बढ़ावा जरूर देता है जी। और जो इंडस्ट्रीज को हम यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करने से पहले जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं जी, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार की तरफ से किस तरीके से हो रही है। मुझे तो जो कानून है, मैं तो कानून की नजर से बात करता हूँ कि कानून की नजर में मुझे कंप्लायंसेस में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है कि हाँ जो इंडस्ट्रीज आएंगी या जो MOU इन्वेस्टर समिट्स के थ्रू आएंगी उनके लिए लेबर लॉज में ये छूट है, सोशल सिक्योरिटी लॉज में ये एग्जम्पशन कर दिया गया है या टैक्सेशन में इस तरह की। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा बड़ा व्यापार लाने की हम बात करते हैं, क्या हमने कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है उत्तर प्रदेश में जी? क्या हमने कहीं टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर करी है उत्तर प्रदेश में कि इस नेचर की इंडस्ट्रीज अगर उत्तर प्रदेश में आएंगी तो हम इतने साल का टैक्स हॉलिडे दे देंगे? टैक्स हॉलिडे दे पाने की जो बात है वो उत्तर प्रदेश सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है जी, क्योंकि पहले वैट स्टेट का टैक्स होता था जी, तो वैट पर एग्जम्पशन देना ये उत्तर प्रदेश के हाथ में हुआ करता था जी, अब वो GST में कन्वर्ट हो गया, कंट्रोलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई और GST काउंसिल के हाथ में चली गई। इनकम टैक्स में जो टैक्स हॉलीडेज मिलती हैं वो देना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता नहीं है जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेट गवर्नमेंट जरूर अपने एस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई जोन उत्तर प्रदेश में बनाया नहीं गया है। ये जो इंडस्ट्रीज आप लेकर के आ रहे हैं इनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक जगह, जैसे लखनऊ में लीडा का डेवलपमेंट होना था लखनऊ और उन्नाव के बीच में जी, लेकिन वो लीडा भी मुझे लगता है कि कितने साल से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, समय नहीं होगा। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस को मैं अच्छा मानता हूँ, प्लानिंग को मैं अच्छा मानता हूँ, और ये वाकई में धरातल पर उतरेंगी तो प्रदेश की सूरत बदलेगी जी, लेकिन ये धरातल पर उतरेंगी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। और जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको बढ़ावा ना देकर के हम
अन्य चीजों को अपने यहाँ इन्वाइट करें और उनको भी अधर में छोड़ दें, या जो पहले हमने एमओयू साइन किए वो अभी पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई और हम नई चीजों को इन्वाइट करना चाहते हैं। ये प्लानिंग में चलती ही रहनी चाहिए, लेकिन चलते रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग ही चलती रहे, बिल्कुल पुरानी चीजें एस्टैब्लिश हो, नई चीजों की प्लानिंग हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है विवेक भाई, या विरुण भाई तो बिल्कुल आप पे हमलावर हो गए, कह रहे थे कि भाई आप लोग कोई काम नहीं किया, जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। नितिन भाई भी ऐसे ही बोल रहे थे, और दिलीप भाई का भी कहना यह है कि पहले जो यहाँ के व्यापार है उसको आप बेहतर करें, बाहर विदेश से व्यापार आता रहेगा, पुराना तो आया नहीं, पता नहीं क्या स्थिति है, कितने अमीर साइन हुए, कोई डाटा नहीं आपके पास। गौरव जी जी, ये लोग डिबेट नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं रख रहे, ये अपना भड़ास निकाल रहे। अच्छा, भड़ास निकाल रहे, और हमारे कांग्रेस के मित्र तो विधवा विलाप कर रहे। अच्छा, ये मतलब रो रही है, बाकी सारा कुछ उत्तर प्रदेश में आपके झूठ का पर्दाफाश किया जाए, आपकी जिम्मेदारी का एहसास किया जाए, आपने जो आपने बोल दिया, आपने उस पर सवाल किया जाए तो आप विधवा विलाप करेंगे? मतलब आपको उत्तर प्रदेश के विकास से इतनी चिढ़ उससे उत्तर ले लीजिए। उत्तर प्रदेश आपका पुराना शकल है, आप सामने वाले को बोलने नहीं देना चाहते, आप अपनी बात रख चुके, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के युवा की बात की, रोजगार सृजन की बात की, तो आप मुझे अपमानित नहीं कर रहे हैं। जवाब देने जा रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश की आवाज को, सोच को, योग्यता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जितना कोसना था सरकार को, भाजपा को कोस चुके, उत्तर प्रदेश के साथ लेने में क्या दिक्कत करेंगे आप? उत्तर प्रदेश के साथ शांति करेंगे आप? लेने में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के साथ अन्याय करेंगे? उत्तर प्रदेश के व्यापारियों पर, शिक्षित हमारे साथियों पर अगर आप जुल्म सितम की इंतहा करेंगे तो क्या आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? आपको जवाब लेने में, आप सरकार में तो आप सबको डरा के रखेंगे, क्योंकि आप सरकार में निकालते रहना चाहते हैं। नहीं, आप सरकार में तो डराएंगे, झूठ तो बोल ही रहे हैं। अरे सब साथियों ने कहा 1 लाख वाला है, अरे सिर्फ झूठे नारे सुनना चाहते, मुझे बोलने दीजिए, झूठे नारे, जवाब चाहता, मुझे जवाब देने दीजिए मेरे भाई। आपके विधवा विलाप तो नहीं आएगा, आप इसी तरीके से जब तक आप स्वभाव में विधवा विलाप को कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे जवाब देने दीजिए, तब तक उद्यम कैसे आएगा? बोले बोले गौरव जी, मुझे जवाब देने दीजिए, इनकी भड़ास तो निकल चुकी है। अच्छा, इन्हें और कितने देर तक विधवा विलाप करेंगे? भावना है ये, जन भावना है उत्तर प्रदेश, ये भावना नहीं, ये कांग्रेस का विधवा विलाप है। भड़ास क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया आपको दर्द है भाई? आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, जनता ने आपको शक्तियों में रखा है, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के हक पर, उत्तर प्रदेश को जो हक मिलना चाहिए, विकास का पहिया जो उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश को जो आप केवल सिर्फ झूठ और जुमले की प्रदेश बनाना चाहते हैं, उस पर अगर आपको सवाल किया जाए तो आप भड़ास कहेंगे? आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं? आपने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब ले लीजिए। एमओयू करते रहिए, आपके विधवा विलाप को कौन सुन रहा है? मैंने कहा प्रमाणिक रूप से बता दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पिछले जो दो सबमिट किए उसके धरातल उसी के आंकड़े ले रहा हूँ, सुन तो लीजिए। कितने लोकतंत्र के हत्यारे, कितने लाख लोगों को आपने रोजगार, ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये लोगों की आवाज को दबाने वाले, बात सुन तो लीजिए। अरे नहीं, ये गलत बात है, उत्तर प्रदेश का हक तो हम दिला के रहेंगे आपको, हत्यारे, बात सुन तो लीजिए। हत्यारे हो सुनाइए, आप लोकतंत्र के हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन इसकी आपको छूट। इमरजेंसी कितने लगाया था? जॉर्ज फर्नांडिस को सदन में कौन नहीं बोलने दिया? आपके लोकतंत्र की हत्या को पूरे देश ने देखा है। अरे भैया, 2022 आप 2022 में उत्तर प्रदेश, आप चाहते हैं कि आप भी बोलते रहे, आप प्रश्न पूछ रहे, जवाब चाहते नहीं है, विधवा विलाप ये भड़ास कौन सुनेगा आपकी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए गौरव जी, इन्होंने मुझसे इन्वेस्टर समिट के आंकड़े मांगे थे जी, मैं वही से इनको शुरू करता हूँ। ठीक है जी, सही वाले बताइए। जो फरवरी 2018 में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी जी, उसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1,045 निवेश प्रस्ताव सरकार को मिले थे। अच्छा, और ये मुख्यमंत्री ने करीब दर्जन भर अलग अलग विभागों की नीतियां इसके सहयोग के लिए बनवाई। ठीक है, लाइन ऑर्डर के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के कारण इसमें करीब रिकॉर्ड 186 सुधारों को लागू किया गया। ठीक गौरव जी, कैसे सुधार? एक मिनट रोकूंगा विवेक भाई। गौरव जी अभी, अरे सुन लीजिए, फिलहाल बोलिएगा, सुन लीजिए, इनके तीन वर्ष के अधिकारी एडीजी का एक वीडियो
वीडियो आया उन्होंने अपने उसमें प्रचार में डाला कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। स्वीडन का एक सीईओ आके कंपनी में, वो अपने पड़ोसी से अपने उसका कोई विवाद है खेती का, उसमें इतना परेशान है कि उसने स्वीडन के दूतावास को इंटरफेयर करना पड़ा, फिर भी उसको पूरी न चौकी न पुलिस न कप्तान कहीं न्याय नहीं मिला। अच्छा। जब एडीजी के पास गए तो उनको आश्वासन मिला तो वो गए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है ये। ये पड़ा है आपके एडीजी साहब, आपके एडीजी साहब के ऑफिस की तरफ जारी किया गया है। अच्छा, अगर ये तो आप स्थिति है, क्या कराइए, हमारा जवाब ये लीजिए, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है भैया? भाई लोकतंत्र के हत्यारे बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में गौरव जी, इनको बात करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, जिस कप्तान को ये फरार बता रहे तो कप्तान गिरफ्तार है। अच्छा, इनके आंकड़े, अरे अभी पकड़ा गया, अरे अभी पकड़ा गया भैया। अच्छा, इसमें भी आप क्या बात कर रहे हैं, फरार रहा जी, क्या बात कर रहे हैं जी, सालों तक फरार रहा कि नहीं रहा, बैठ करके भी आप सालों तक फरार रहा कि नहीं रहा, इनका स्तर आप क्या क्या आंक लेंगे, ये मुख्यधारा से बाहर है। अच्छा, मुख्यधारा, चले ठीक है ठीक है, जवाब दीजिए। ऐसा राजनीति दल है जो देश की मुख्यधारा से बाहर जा चुका है। अच्छा, तो आपको झूठ बोलने की छूट दी जाए क्या? गौरव जी नहीं करेंगे जी, गौरव जी जी बोलिए, मुझे जवाब देने दे दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, इनका विधवा मिलाप फिर सुनते रहिए, बहुत समय मिलेगा इसके लिए। अच्छा, बोलिए क्या बोलिए, इन्होंने जो मुझसे पूछे थे कि कौन कौन से फैक्ट्रियां लगी, क्या क्या आंकड़े है जी, 215 उद्यमों में जी 5,17,000 जिसमें उत्पादन भी शुरू हो गया। अच्छा, 1,32,951 लोगों को रोजगार मिला। अच्छा, ठीक है ठीक, नवी भाई ये उद्योग 46 जिलों में लगाए गए, नोट करने कर दीजिएगा, नोट कर लेंगे नितिन भाई, आप भी नोट करिए। इसमें से 38 उद्यम गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जी, नोट करें जी, 20 उद्यम लखनऊ में, अच्छा, गाजियाबाद में 14 जी, मेरठ में 10, बाराबंकी में 9 जी, कानपुर में 8, गोरखपुर तथा वाराणसी में 7 जी, पीलीभीत बदायूं तथा हरदोई में 6 विवेक भाई झांसी में 5, बस्ती एटा शाहजहांपुर बिजनौर बहराई संभल में 4, ऐसी बातें करके तो जनता को कानपुर देहात जवाब अगर मांगा तो झूठ को कैसे आप रखते हैं धोने देंगे, तो व्हाट्सएप पे आ गया है तेरा डाटा, ये इस तरीके से प्रश्न करेंगे। मैं दो बातें पूछ रहा हूँ, जरा ये वो दो प्रश्नों का उत्तर दे दें। पिछली सबमिट में टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से कितने अभी साइन हुए थे और कितने इम्प्लीमेंट हो गए, बस 3 प्रश्नों में पूरी डिटेल आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, 3 बातें बता दीजिए। क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप सबको, व्हाट्सएप का ज्ञान बता रहे हो, सुबह से टेस्टिंग सुबह में आ गया है, 3 कानपुर में, 2 कानपुर में नहीं हुआ क्या नितिन भाई? नितिन भाई कानपुर में रहते, कानपुर में नहीं हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, 8 नाम बताए थे कानपुर में, इन्होंने कहा 8 इंडस्ट्री लगी है। हाँ, उनके नाम बता दें कि कौन कौन से इन्वेस्टर कानपुर में आ गए। मैं जानता हूँ किसने कानपुर में साइन किया था, उसी का तो मैं खोल रहा था, 1 रुपया नहीं किया उसने इन्वेस्टमेंट, फर्जी कंपनी है। जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले, जवाब ले, मैं तो कह रहा हूँ मैंने पहले कहा, जल्दी जवाब दीजिए, विवेक भाई शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, उनको तैयार, उनको जो है मानी धैर्य निर्धारण है, शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए, बोलिए क्या करें, उनको धैर्य नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए आप, नहीं तो क्या चिल्लाने लगे कि नाचने लगे, क्या करें इनके धैर्य के लिए? मैं आप अच्छे प्रवक्ता हो तो तथ्यात्मक बात करो, व्हाट्सएप वाला ज्ञान मत बताओ, आप 8 जो कानपुर में नाम बताओ, जरा नाम बता दीजिए उनके पास कौन कौन से 8 इंडस्ट्री लगी। जब आप झूठ बोल रहे हो आप, इसलिए मैं आपको कंडम कर रहा हूँ। आप करते रहिए, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लेना नहीं चाहते, आपने प्रश्न पूछा है, जवाब ले लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, जवाब ले लीजिए नितिन भाई,
नितिन भाई जवाब गौरव जी, जी। मैं आप ही के माध्यम से आप मेरी तरफ से प्रश्न कर लीजिए सिर्फ तीन। एक तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेंट, एक बार बार इनको बता रहा हूँ कि 4.28 लाख करोड़ रुपए के 1,045 निवेश प्रस्ताव सरकार को सौंपे गए। अच्छा, अब इनको क्या आंकड़ा और बता दूं जो इससे संतुष्ट हो जाए, बताइए। ये कह रहे कितने अभी साइन हुए, कितने इन्वेस्टर आए, ये पूछ रहे हैं। 1,045 निवेश प्रस्ताव बता दो भाई, भाई बता दो दिया, कितना आंकड़ा चाहिए भाई आपको, बता दो रहे हैं कौन सा आंकड़ा चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है, 1,045 समझना नहीं चाहता, समझ नहीं है, मैं क्या जवाब, क्या क्या टिप्पणी करूँ इनके ऊपर। नितिन भाई जवाब दीजिए, आप संतुष्ट नितिन भाई, आप आंकड़ा मिल गया आपको। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा 1,045 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, टोटल एमओयू जो साइन हुआ था वो अमाउंट आया। अब ये बता दे कितने एग्जीक्यूट हो गए इंडस्ट्री, अरे बता दे, गिनाया तो हर जिले का गिनाया तो है, कानपुर का भी गिनाया है, 9 लगे वहां पर, कानपुर का भी गिनाया है, 9 लगे वहां पर, नहीं कानपुर में 9 नहीं, कानपुर में 8 बताया है, बस सिर्फ दो नाम बता दे, ये झूठ बोलने नहीं लगा, एक भी नहीं लगा। देखिए प्रदेश के विकास के लिए पुराने नए के साथ साथ पुराने पे भी ध्यान देना होगा, तभी स्थितियां बेहतर होंगी। नई की योजना बनाई जाए अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी चिंता की जाए विवेक जी, जी कि पुराने जो, हाँ बात से सहमत हूँ कि जो पुराने उद्योग लगे, मैं बहुत गंभीरता के साथ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश में व्यापारियों के व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और व्यापारी जब कोई मसला होता है तो आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ने लगते हैं, न पक्ष और न विपक्ष, और उसमें जनता और व्यापारी पिस के रह जाता है। बिल्कुल सही बात, आज आवश्यकता इस बात की है कि नए निवेश स्वागत किया जाए, और जो पुराने ऑलरेडी चल रहे हैं उसकी चिंता की जाए कि वो कैसे चलते रहें। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है। बोल लीजिए जी, बोल लीजिए भैया, मेरा उत्तर कंप्लीट होने या हो जाने दीजिए, बहुत से उत्तर उसमें मिल जाएंगे। जी बोलिए बोलिए, चल बोलिए। देखिए मैंने जो आंकड़े गिना रहा था जी, लखीमपुर खीरी बरेली फिरोजाबाद मथुरा गाजीपुर तथा बलरामपुर में दो दो जी, सुल्तानपुर कन्नौज हापुड़ रामपुर श्रावस्ती प्रतापगढ़ मिर्जापुर देवरिया अच्छा। आगरा चंदौली बुलंदशहर तथा प्रयागराज में एक एक उद्यम स्थापित किए गए जी, कुल 215 उद्यमों में उत्पादन होने लगा है जी, उनमें सबसे अधिक 101 उद्यम फैक्ट्री जी फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है जी, फूड प्रोसेसिंग की इन 101 जी यूनिटों की स्थापना में 4,074.02 करोड़ रुपए का निवेश हुआ जी, इन यूनिटों में 20,176 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित 62 उद्यमों की स्थापना हुई है जी, इसमें 12,378 लोगों को रोजगार दिया गया जी, मैन्युफैक्चरिंग से में संबंधित 62 उद्यमों की स्थापना पर 4,819.45 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की 16 यूनिटों में जी, चलिए ठीक है, 23,762.67 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। बात आ गई ठीक है, इसमें 61,195 लोगों को रोजगार मिला जी, टेलीकॉम सेक्टर में भी 2 उद्यमों की स्थापना पर 15,000 करोड़ रुपए का निवेश जी। अब इनको 2,000 लोगों को रोजगार दिया गया, वो जानकारी मिल गई, इन लोगों को निवेश नजर क्यों नहीं आ रहा है। क्रिस्टल भी सुन लीजिए जी, इसी प्रकार बार बार आंकड़े पूछते, मैं आज जवाब दे रहा, नोट कर ले दोबारा जी, और मेरी बात को अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो मैं जिन जिन जिलों का नाम ले रहा हूँ जी, उन उन जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से या उद्योग अधिकारी के माध्यम से आरटीआई करके क्रॉस चेक कर ले जी, दोबारा डिबेट पे आके वही कागज मेरे मुंह पे मार देंगे जी। नितिन भाई सुन लिया आपने, दोबारा ये प्रश्न पूछे अपनी अपनी अज्ञानता का परिचय मत दे आगे जी। ठीक है, इसी तरह 6 डिस्टिलरी, 7 टेक्सटाइल फैक्ट्री जी, 2 चीनी मिल जी तथा 1 डेयरी जी फैक्ट्री की स्थापना भी की गई। ठीक, नोएडा सहित 48 जिलों में 215 उद्यमों में उत्पादन होने लगा जी। ठीक, अब और कहां के क्या आंकड़े चाहते पूछते जा रहे, बताता जा रहा हूँ जी। हो गए आंकड़े, पूरी डिबेट निकल जाएगी, बेबे लंबा आंकड़ा है, कई लाख करोड़ का निवेश है ना, तो वो आंकड़े तो लंबे रहेंगे, पूरा डिबेट चले जाएगा मेरे ख्याल से, मुद्दे पे आ जाओ। बार-बार आंकड़े मांग रहे, मैं क्या करूं आप बताइए, तो आप इनको दिखा दीजिए, आपका प्रश्न सही है, ये आंकड़े दिख तो मेरे, आपका भी नाम बता दीजिए, बात कर लेंगे, अब इनको मैं 115 कंपनियों के नाम बताता फिरूं।
गौरव जी वही आ जाइए, ये आंकड़े आप सही पूछ रहे हैं, ये दिख क्यों नहीं रहे? दिखा लीजिए विवेक भाई इनको, इनको दिखते नहीं है। अब दिख इसलिए नहीं रहे हैं, बता तो रहे हैं कि जिला जिला उद्योग अधिकारी पूछ लीजिए आगे, कानपुर का पूछ लीजिए, लोटा पूछ लीजिए, कि इनके चश्मे का नंबर बिगड़ा हुआ चश्मा नहीं लगता। मैं कानपुर के नाम पूछ रहा हूँ, आठ बता दीजिए। आप अगर लखनऊ में रहते हैं कानपुर जी, मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये लखनऊ में रहते हैं जी तो ज्यादा दूर जाने की नहीं जरूरत, यही बगल संडीला पहुंच जाएं जी। हरदोई में पड़ता लखनऊ, हरदोई का बॉर्डर है, 50 किलोमीटर है लखनऊ से जी, बिल्कुल ठीक है। वहां पे तमाम फैक्ट्रियां, जो अभी 6 फैक्ट्रियां लगने के बाद उदाहरण दे रहा हूं, 6 फैक्ट्रियां वहां चालू हो चुकी है, वहां का इंडस्ट्रियल एरिया पूरी अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो आप देखिए हर जिले में जी सरकार के दफ्तर है, आप जहाँ के आंकड़े में बता रहा हूँ, आप आरटीआई के माध्यम से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कर लीजिए ना नितिन भाई, आप लोग क्यों भाई यहाँ पे क्यों रोक रहा है? अगर अगर औद्योगिक क्रांति आ रही है, दिक्कत क्या भाई? अगर तकदीर बदल रही है, औद्योगिक क्रांति आ रही है, क्या समस्या आप लोग बता रहे हैं जी? कोई समस्या नहीं है, मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्रांति की कागजों में सिर्फ क्रांति आ जाए तो ये क्रांति फिर आप कागजों पे आ गए भाई, बता तो रहे आरटीए मांग के मालूम कर लीजिए आप, नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं अच्छा है, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कानपुर की ट्रांस गंगा सिटी का निर्माण हो रहा था, प्रोजेक्ट बुलाया जा रहा था, कितने इंडस्ट्रियल प्लांट और कितनी इंडस्ट्रियां लगी थी, मैं पूछ रहा हूँ कि 5.5 वर्षों में क्या एक ईंट लगाई गई क्या? वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा क्यों बता दो, कंपनी शुरू होने वाली है, कंपनी शुरू हो गई है बता रहे हैं आप, आप मीटिंग बैठ के हुए अभी तक कह रहे कंपनी शुरू हो गई संडीला छठो, और कैसे बताया आपको भाई? भैया मेरे घूम आइए जाके, भैया मेरे गौरव जी जी, गौरव जी जी, इसी को तो मैं अभी हमारे साथी कह रहे थे विनोद जी, हाँ। कि ये मिथ्यावादी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये इस तरीके की झूठे मैं पूछ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी योजना थी गौरव जी, कानपुर से उन्नाव के बीच में एक बहुत बड़ी योजना थी, और इतना बड़ा जा रहा था, मैं पूछ रहा हूँ की आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार जाने के बाद 5.5 वर्षों में क्या उस योजना का भाई कोई बोल रहा है? आपकी नितिन भाई आपकी सरकार की बता रहा है कुछ, बोलिए भाई जल्दी बोलिए, समय कम है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार के समय जी लूलू माल का प्रोजेक्ट साइन हुआ था, कब चालू हुआ? हमारी 5 साल की सरकार बीतने के भी 3 महीने बाद चालू हुआ, बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म पे आने पे समय लगता है, अगर सत्ता में रह चुके लोग इस तरह की बात करें तो ये शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी वाले ऐसी अराजकता की बातें करते हैं तो उनके समझ में आता है वो अराजकतावादी लोग हैं। अच्छा हमारी पार्टी अराजकता वाली है, प्रदेश में शासन चला चुके हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं ये उनके राजनीतिक ज्ञान पे मैं क्या टिप्पणी करूँ गौरव जी? ठीक ज्ञान ही नहीं है इनको, ज्ञान नहीं है इनको, जो वर्तमान व्यापारी है उनके लिए क्या योजना है आपके पास? ज्ञान नहीं है। हमारे साथ एक व्यापारी साथी भी बैठे हैं, सरकार की नीति सरकार की नीयत जी चाहे जो स्थापित मैंने पहले भी कहा छोटे मझोले या बड़े उद्योग हैं उनके प्रति या नए जो हैं इनके जो प्रोजेक्शन है कि ऐसे ऐसे करेंगे इतना इन्वेस्टमेंट, कुछ धरातल पे संतोषजनक होता नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है, तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे, तो उस सवालों से घबरा के और सवाल करने तो आप क्यों बोल रहे हैं बिरबा बिलाप कर रहे हैं भाई? आप कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जहां तक चली गई है, ये इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं क्योंकि सवालों से घबराते हैं। अच्छा सवालों नहीं घबरा, आपका ज्ञान मुझे तरस आ रहा है, कप्तान जेल में आप उसको फरार बता रहे हैं। अरे कप्तान भैया सालों तक फरार रहा कि नहीं रहा? आप फिर तब तपाएंगे उसके लिए? जो ऐसी घटनाएं हो रही है, संगठित अपराध हो रहा है, संगठित अपराध हो रहा है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, व्यापारी से पूछिए, साबुन स्लो है क्या, शुल्क बढ़ गए, हर तरीके के सरकारी शुल्क आपने बढ़ा दिए, बिल्कुल मुश्किल है जी, बहुत परेशानियां है सम्मानजनक तरीके से व्यापार करने में। टेलीविजन पे विज्ञापन आता था कि तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? अच्छा इनसे पूछे किनका साबुन स्लो है क्या जो इतनी देर में अपडेट होते हैं? कैसी बात करते हैं ये, कैसी बात करते हैं? कौन सी सरकार है कि साबुन है, समझ में नहीं आ रहा मेरी बात, कैसी बात करते हैं आप? ये कौन सी बात कर रहे हैं? साबुन की कंपनी से पैसा लेके बैठे हैं क्या? किसी इस कंपनी के साबुन के प्रचारक के रूप में बैठे हैं? आपको कुछ पारिश्रमिक मिल गया है क्या? कैसी बात करते हैं विवेक जी, जिम्मेदारी से बात करिए, अपने आप को अपडेट करके आइए ना। उत्तर प्रदेश, अरे आपने पूरे प्रदेश पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है अपडेशन के नाम पे, क्या आप बात करते हैं? आपके पास तो आज
आज के सवाल का कोई सीधा जवाब है नहीं। ठीक है, जनता की बेबसी, बेचारी, लाचारी पे आपने कोई नीतिगत काम किया नहीं। आप बेवजह की बात कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिलीप भाई की बात ले, बाकी लोगों को लेता हूँ। दिलीप भाई, दिलीप जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। दिलीप भाई, भाई यहाँ पर जो लोग यूट्यूब पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपने भी सही आकलन किया है, तो निश्चित रूप से अगर आंकड़े आए हुए हैं और विवेक भाई ने यह भी कहा है कि लुलु मॉल का प्रोजेक्ट यानी 5 साल बाद अब शुरू हुआ है, समय लगता है, कैसे देखते हैं भाई? सही तो बोल रहे हैं यहाँ पर संजीदा की छह इंडस्ट्रियों के नाम भी बता रहे हैं। जी गौरव जी, मैं इस बात से सहमत हूँ विवेक जी की कि चीजों को स्टार्ट होने में समय लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समय लगता है। लेकिन समय जब आप सरकार एमओयू कर रही है, सबमिट कर रही है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है जी, तो इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की एक समय सीमा भी सरकार देती है। बिल्कुल सही बात है। और अगर डिले हो रहा है तो फिर डिले क्यों हो रहा है ये भी तो सरकार को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, कि वो डिले सरकार की तरफ से हो रहा है या उस इन्वेस्टर की तरफ से हो रहा है। जी। और डिले अगर 10-20-25% प्रोजेक्ट्स में है तो ये माना जा सकता है सिचुएशनल है। जी। अगर 10-20-25% प्रोजेक्ट लगे ही हैं तो सवाल तो खड़े होंगे जी, कि अगर आपने 1000 एमओयू किए और उसमें से 250 शुरू हो गई फैक्ट्रियां और 750 नहीं शुरू हुई, तो 750 नए शुरू होना वो ज्यादा बड़ा क्वांटम है जी, और 250 जो शुरू हो गई हैं उसका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि अभी विवेक जी ने आंकड़े दिए, मैं उनके आंकड़ों का सवाल नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने आंकड़े दिए तो कहीं ना कहीं से लाके ही दिए होंगे। अब उनकी सत्यता कितनी है, प्रामाणिकता कितनी है, जब मैं जानता नहीं हूं तो मैं सवाल भी नहीं उठा सकता जी। लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। बिल्कुल, मैं एक आम आदमी की नजर से या मैं एक आम आदमी की तरह अगर देख रहा हूँ प्रदेश में तो मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं नजर आ रहा है। ठीक। और अगर प्रदेश में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रदेश का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो क्या कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन प्रदेश का इस तरीके से बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो फिर महंगाई मेरे लिए कम क्यों नहीं हो रही है? मेरे ऊपर महंगाई का बोझ क्यों बढ़ रहा है? अगर सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है, सरकार का खजाने में टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है, तो फिर मेरे ऊपर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? मेरे ऊपर महंगाई कम हो जानी चाहिए। मैं आम आदमी की नजर से बात करता हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं जी। लेकिन मुझे तो ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे मानूं, ऐसे लेमैन की भाषा में मैं ये कैसे मानूं कि कोई इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल ग्रोथ प्रदेश में हो रही है? जी ठीक है संजय भाई, जल्दी बात पूरी करिए, फिर बाकी मैं लेते हैं। संजय भाई बोलिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि कुछ निवेश आया है, कुछ और आएगा, कुछ इंडस्ट्री घरेलू व्यवस्थाओं से और लगेगी जी। लेकिन जब पुराने व्यापारी वर्तमान व्यापारी बचेंगे जी, तो आगे का व्यापार होगा। हमारी सबसे जीएसटी का भी एक समीक्षा होनी चाहिए। जीएसटी बहुत दरें बढ़ी हुई हैं, जीएसटी को तथा भारत में कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि व्यापारी जीएसटी की पालना में ही उसका सारा समय निकला जा रहा है। ना अधिकारी को ठीक से मालूम है, ना जीएसटी के जो अकाउंटेंट्स हैं उनको ठीक से मालूम है। सब चीजें हवा में चल रही, हम लोग कितना परेशान है जीएसटी को लेके। एक दर हो जाए वो बात ठीक। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा का विषय था कि किस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब पंख लगने वाली है। पंख कैसे लगेगी? 10 लाख करोड़ का निवेश आएगा और एक औद्योगिक क्रांति आएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनेगा औद्योगिक व्यवस्था से और इकोनॉमी के माध्यम से। 10 लाख का लक्ष्य, जो करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, अब वास्तव में अगर धरातल उतर गया, क्योंकि अगर कोई महामारी ना आई या कोई अन्य व्यवस्था खराब नहीं हुई या जो भी प्रोजेक्ट है वो समय से शुरू हो गए, तो निश्चित से परिवर्तन भी होगा और बदलाव भी होगा और रोजगार के कार्यक्रम भी सजन होंगे। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जो निवेश आ रहा है उसको शुरू कराना, उसकी देखरेख करना, उसकी समीक्षा करना और उसकी जवाबदेही, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जवाबदेही होगी, व्यवस्थाएं होगी, समीक्षा होगी, बदलाव होगा, तो औद्योगिक क्रांति आएगी। क्योंकि इतिहास बताता है कि अगर वास्तव में किसी देश ने प्रगति की है, किसी कोई देश सुपर पावर बना है, कोई प्रदेश आगे बढ़ा है, तो उसके पीछे औद्योगिक क्रांति की बहुत बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय में फरवरी में 10-12 फरवरी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अब फिलहाल ये औद्योगिक क्रांति कितना बदलाव लाएगी, कितनी व्यवस्था लाएगी और
उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह पंख लगाएगी ये पक्ष बताएगा। पर निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्रयास जरूरी है, तभी कुछ संभावना बनेगी बदलाव की। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच